जिला हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं किसानों के खेतों में बारिश होने से पानी जमा हो गया है, जिस कारण किसानों को गेहूं की फसल खराब होने का डर सता रहा है। बारिश के चलते खेतों में काफी मात्रा में पानी जमा हो चुका है, जिस कारण गेहूं की फसल पीली पड़ना शुरू हो चुकी है। जहां समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है, ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते हमीरपुर जिला में भी ठंड का प्रकोप जारी है। बढ़ती ठंड के कारण लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए हैं। अत्यधिक बारिश होने से किसानों के खेतों में पानी जमा हो गया है। खेतों में पानी जमा होने से किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। गेहूं की फसल पीली पड़ना शुरू हो गई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सबसे बड़े परेशानी बुजुर्गों व स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। बारिश के चलते जिला की अधिकतर सड़कों पर इक्का दुक्का ही लोग नजर आए। बारिश के कारण गेहूं की फसल के साथ साथ अन्य सब्जियों जैसे गोभी, सलगम, मूली, मटर इत्यादि फसलों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण ठंड का प्रकोप भी जारी है। बारिश होने के कारण गेहूं की फसल पीली पड़ने शुरू हो गई है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे गेहूं की फसल के लिए नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश हो रही है सर, इसकी वजह से हमारे खेतों में पानी आ गया है और इसकी वजह से हमारी गेहूं की फसलें खराब हो रही हैं और सरकार हमें कोई मुआवजा नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। इतनी है कि सरकार से विनती की भी हमारे तरफ देखे, हम किसान हैं। ज़्यादा बारिश हो रही है ना, हमारी फसलें खराब हो रही है, इसमें ना खेतों में पानी भर गया है, उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है और फसलें सारी खराब हो गई है। जो है बारिश से पानी से भर गए हैं, खेती सारी खराब हो रही है और पूरी खेती पूरी पीली हो गई है। तो इसका कोई अगर ये हमारे मतलब जो प्रशासन वाले अगर ये कुछ करें तो हमारे को कुछ कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि कुछ ना कुछ किसानों के बारे में सोचें। ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चों को स्कूल जाने के लिए परेशानी हो रही है और इतनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बही कृषि उपनिदेशक कुलदीप वर्मा का कहना है कि बारिश की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है और ज्यादा बारिश होने से गेहूं की फसल को पीला रंतुआ रोग लगने की संभावना होती है। उन्होंने कहा कि अगर गेहूं पीला होने लगे तो तुरंत कृषि विभाग से संपर्क करें। इसमें ऐसा है कि अगर लगातार वर्षा होती है तो ज़्यादा तो किसी चीज़ की भी अधिकता ठीक नहीं है, परंतु अगर अभी तक तो इसका ठीक है। और इसमें मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि दिसंबर अंत और जनवरी के शुरू से जो पीला रतुआ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए कृषकों से अनुरोध करता हूं कि वो इस पीला रतुआ के बारे में अधिक से अधिक जागरूक रहें। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि पीला रतुआ की शुरुआत हुई है कहीं भी, तो विभाग से भी संपर्क करें और ये जो दवाई है प्रोपकोना जोल 25 cc 0.1% का जो छिड़काव है, 30 ml 30 लीटर पानी में एक नाल में इसका छिड़काव करें तथा स्टिकर का भी इसमें प्रयोग करें।